अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और फिर अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां मैंने पिछले एपिसोड में एंड किया था उधर से दोबारा मैं अब कंटिन्यू करूँगी। और इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि जो हमारा गाइड था उसने हमें काफ़ी डिटेल में गाइड किया और मैंने वो नेचुरल जैसी आवाज़ें थी वो वैसे ही रखी हैं। तो फिर चलते हैं, देखते हैं। المركز التوجيهي بجبل صور اچھا سا ہو گیا کدی عربی بھی نا اور انہاں دا خط بھی ہو رہا ہے عربی لکھن دا خط انہاں دا ہو رہا ہے میں بالکل فلسطینی ہوں اسی جڑا پڑھیا وہ پاکستانی خط جڑا ساڈا اپنا ہاں اچھا وہ پھاڑ دیا ہوا اور یہ بچے رہتے ہیں ادھر یہ گھر نے نا चंगा नहीं आए ना कुल साथ फुल जाना से अच्छा हंसना अच्छा कितने तक बंदा जा सकता है? नहीं शुक्रिया। ये क्या है? ये नबी बूटी तो इसका नाम है नबी बूटी, इसका नाम है मरियम बूटी। अच्छा ओके शुक्रिया। देखो तस्वीर वगैरह पत्र वगैरह हक्के वगैरह फ्रोजा जी शुक्रिया। वो जो पत्थर है वो ऊपर बड़े वाला है ना? और अगर बंदा जाना चाहे तो जा सकते ऊपर ना? नहीं लेकिन अगली दफा बंदा आए ना थोड़ा टाइम लेके आए। हूँ तो दिल तो बहुत है लेकिन हाँ ऊपर तक जाना और उतरना। अच्छा देहाती लोग वैसे मजबूत होंगे ना। लेकिन उन्होंने जनरेशन है नहीं हाले बड़े अगर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने ने उन्होंने जिसके पास है वो तो अमीर लोग थे जैसे अच्छी अच्छी गाड़ी किसी के पास आज के दौर में उस समान में पहाड़ी सी उसला सही पहाड़ी सी उसला है ना पहाड़ अच्छा। तो ये लागे पहाड़ देखोगे तो बिल्कुल काला पहाड़ है। मैं
ਅੰਦਰ ਗੁੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਪੋਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ जब वो कराया है ना पहले टांगे खाटी थी
किताब जो थी हम मस्जिद निमरा की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं अभी जबल रहमत की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। बच्चे दिखावे आप की कह रहे थे इतने कोई बंदा नफल शफल पढ़ सकता है या मस्जिद से जाके पढ़िए ऐसे खड़ा होकर दुआ मांगी मगफरत में बहुत ऊंचा है और हज के दिन मैं अक्सर टीवी पे देखनी हूँ हमेशा मैं हज का खुतबा देखनी है ना अच्छे लोग इस तरह कीड़े मकौड़े आ ना नजर आने फुल कर जिथे जिथे ग्रीनरी है सारा मैदान अरफात है हर पास चारों तरफ फिर तो काफी बड़ा मैदान है टीवी तो ऐसा लगता छोटा तो नहीं है ना नफल पढ़े ने
इसमें ऐसे तीन मस्जिद है। अच्छा, एक अराफात का है, एक मुस्तलिफे का है, एक मीना का है। अच्छा, कोई भी अजान भी नहीं होता है, नमाज भी नहीं। अच्छा, इधर वो गाड़ी वगैरह कुछ नहीं, गाड़ी के रास्ता अलग है। अच्छा, ट्रेन भी है एक दिन के लिए अराफात से मुज़दलिफा जाने का, लेकिन जिनी दुनिया देखा पैदल जल्दी पहुंच जाते हैं। पैदल जाएगा ना, वो ऐसे रास्ते में जाते हैं ऊपर से ठंडा पानी मांगते हैं। हां, अच्छा, ये जो पाइप है ऊपर इधर से ठंडा पानी ही आता है, पानी पीने का पानी पीना में चल जाते हैं। कभी कोई 12 बजे के बाद जाते हैं, कोई सुबह में जाते हैं, बस 12 बजने का पहले नहीं जा सकते ना। वो कहता था कि नहीं, सुबह फजर पढ़ के तो फिर जा सकती हो आप बिना की तरफ। रात 12 बजने के बाद में तो दस जील हो जाता है, तो डेट चेंज हो गई ना, बाद में डेट चेंज हो जाता है। वो दिन तो 10 तारीख में तो कुर्बानी है, दिन शैतान का पत्थर मारता है 12 शैतान का, तो रात 12 बजने के बाद में 10 तारीख आ जाता है। बंदा पत्थर मार के रात 2-3 बजे निकल जाते है, मेरा टैक्सी चला तो सवारी मिल जाता है ना, रात 2-3 बजे बंदा पत्थर मार के निकल जा रहे हैं। पहला भी ऐसा था, सुबह में जाता, अभी जो जमाना आ गया ना, और रात 12 बजे चल जाते हैं। इसका नारा जुबेदा बोलता है। ये जो येलो सी दीवार है, पहाड़ नहीं है, देवल दीवार। अच्छा जी, ये बादशाह इराक का वो टाइम में प्रेसिडेंट था, हारून रशीद, उसका बीबी का नाम था जुबेदा। नहर है, नहर है वो जे वो जुबेदा इधर नहर जुबेदा नहर जुबेदा है वो आंधी जे राग दे विच। अच्छा, वो जो टाइम हाउस करने के लिए आया उधर पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है। अच्छा, बस वो एक नहर बनाया, पानी नहर बनाया पानी के लिए है, नहर आंधी जे राग दे विच निकल। आज भी आंधी नहीं, नहीं आज भी आ सकता, बंद हो गया वो, बंद हो गया सब। अच्छा, मुझे इस वाक्य का नहीं पता है। हाजियों के लिए सहूलत उन्होंने, या मक्का में रहने वाले उन्होंने वास्ते सहूलत वास्ते उन्होंने जोर तूफान बारिश आना है, इधर इधर रहते है, इधर से जाने का टाइम में कंकरे ले के जाना पड़ता है। अच्छा, मस्जिद का नाम कुरान में है। मस्जिद मशारुल हराम।
शहरुल हराम जाएगा अंदर बंद है बस नहीं नहीं हम नहीं इधर से इस देख तो बस मेरा कुछ नहीं 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 शुक्रिया दुआ करें ना कि मैं तो एक दफा माशाल्लाह आज के लिए आया हूँ लेकिन बहुत बहुत साल पहले ये पत्थर यहाँ से ये तो ऊंचा ऊंचा करके रखते हैं ज्यादा करके अभी तो ये यहाँ से पत्थर पड़े हैं कितने की टिकट होती है आज के दिन मैंने एक दफा जर्मन टीवी में सुना था पचास रात होटल जाए और ये भी अब इधर कोई भी नहीं होगा ना जो देख रहे सब हज के लिए बस सिर्फ हज के लिए सब एसी वाले हैं ना सब एसी स्टेशन आ गया अच्छा इतो मैं गुजरिया हाँ असी मीना चो ना इतो ही खाना काबा तक पैदल गए शतान कगड़िया शतान गजब का जगह बोलते है इधर बादशाह अब्रा ना खाना का पा बांगने के लिए आया काबा का तोड़ने के लिए अच्छा लोर आबा बिल पाकी से ऊपर से सब कौन सी जगह ये जो मैदान है जगह देख रहे ना वो वाला खाली जगह इसकी अच्छा 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 वो बाहर ट्रक जा रहे थे वो जगह है ओके इधर ट्रक जा रहा है कुर्बानी देने के लिए लेके आया दिनों में भी इन्हीं जगह पे आके रखते इधर दूसरे आज पैसे वाले ये बस इधर का टाइम में सिक्योरिटी सोलर रहते हैं ना अच्छा मैं घर जाके ना अपने बच्चों को दिखाऊंगी इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ टीवी से तो बंदा देखता है लेकिन ये वही वाली है ना जिधर से हम होके आए हैं ये वही अब वो निमरा थी सॉरी तीन जगह तीनों में ये मशीन है जिनमें रान कर रहा है और आज भी इन तीन जगह
जीनी रास्तों पे चलते हैं ना जिधर हम लोग जा रहे हैं के अंदर हर चीज बंद ताले लगे हुए चलो करना ताला नसीब करे तो फिर जमरात लिखा हुआ